आर्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर विद एन एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज इन गिवन आर डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी। ये चार चॉइस दे रखे हैं। अब इसमें कुछ वेक्टर भी है और कुछ सर्कुलर मोशन भी है। जो स्टूडेंट्स वेक्टर पढ़ के इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उनको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, तब ये क्लियरली समझ में आएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं इसको। देखो, एक पार्टिकल मूविंग सर्कल रेडियस दे रखी है आर इज इक्वल टू 3 मीटर और एंगुलर स्पीड दैट मीन्स ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड और क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। ये एरो बना रखा है मैंने क्लॉकवाइज के लिए। ठीक, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखो, इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी की दर्शन तो ये होगी, टेंजेंशियल दिखा देते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दर्शन ये शो करेंगे और एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, ये वेक्टर। और ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो ए आर। अब इसी ए आर वेक्टर को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दिस इज अ रेडियल वेक्टर। और ये तब होता है जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, तो रेडियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ए आर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख लें उसका ए आर वैक्टर का, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं पहले, वो होता है वी स्क्वेयर ओवर आर। वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो इसकी रेडियस को आर कैपिटल एन माना तो आर ओमेगा, तो यहाँ आप इसे पुट कर सकते हो, तो आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर। आर की वैल्यू 3 और ओमेगा का स्क्वेयर करेंगे तो 4, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये तो इस रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन उसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक, देखो, अब इस डायग्राम को हम यहाँ बनाना चाहें तो हम, ये आपका एक सर्कल था, इसका एक फिगर बना लें द्वारा से, एक सर्कल था और ये इसके ओरिजिन था, ये यहाँ पे एक पॉइंट है पी और ये आपका दे रखा है रेडियल वेक्टर ए आर वेक्टर और ये एंगल क्वेश्चन नंबर 60 डिग्री दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब इसके कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और एक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये वाला आएगा, तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक ये हो गया। और इसको ऑरिजिन कंसिडर करके चलें तो ये नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है और ये नेगेटिव वाई कंपोनेंट है, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। ठीक, इसको ऑरिजिन मान लिया, ठीक है, इसको हमने ऑरिजिन माना, तो ये वाला जो है वाई कंपोनेंट होगा ए वाई और ये नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है, ये नेगेटिव वाई कंपोनेंट है, नेगेटिव वाई एक्सिस है ये और ये नेगेटिव एक्स कंपोनेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक, तो ये एंगल 60 है तो ज्योमेट्री से ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा नेगेटिव एक्स कंपोनेंट ए एक्स, लेट कर लेते हैं इसे ए वाई, तो ए एक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है ऑफ रेडियल वेक्टर ए आर वेक्टर और उसके साथ थीटा है इसीलिए कॉस थीटा आएगा वो, तो ए आर कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री और ए आर मैंने निकाल रखा है, उसकी वैल्यू है 12 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ऐसे ही ए वाई निकाला है, ये माइनस के वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट ऑफ ए आर वेक्टर, उसका ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, तो ये हो गया ए आर साइन 60 डिग्री। ए आर की वैल्यू है आपकी 12 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड
6√3 m/s स्क्वायर। तो अगर हम ए वेक्टर लिखना चाहें ए आर वेक्टर फॉर्म में, तो ए एक्स इसका कंपोनेंट है और एक ए वाई भी कंपोनेंट है, बट ये नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है और नेगेटिव एक्स प्रश्न में यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई के, और नेगेटिव वाई एक्स में यूनिट वेक्टर होता है माइनस से जे के। ठीक, सो इसे माइनस का आई के एंड माइनस का जे के, ये माइनस का इसलिए लगाया क्योंकि ये एक नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है और यहाँ पे भी वाई नेगेटिव वाई कंपोनेंट है, इसीलिए माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, आई माइनस का है और जे कैप भी माइनस का है। ए एक्स की वैल्यू मैंने निकाल रखी है यहाँ पर 6, इसलिए माइनस के 6 i के, और माइनस का ए वाई के लिए निकाल रखी है 6√3 j के। तो वेक्टर फॉर्म में अगर रेडियल वेक्टर, रेडियल एक्जिलरेशन जो है वो ये है। ठीक, तो देखो इसकी चॉइस आई आपकी फर्स्ट चॉइस करेक्ट है, माइनस के 6 i एंड माइनस के 6√3 j का, ये आपका रेडियल एक्जिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई एट पॉइंट पी, और इस पॉइंट को उसने पी कहा है, तो पी पॉइंट पर हमने एक्जिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।